पहले हुए समझौते के तहत ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को स्थगित करने पर राजी हुआ था। ये करार शांति के उद्देश्य से किया गया था, जिसके बदले में ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। इस समझौते को ईरान, अमेरिका के साथ साथ यूरोप, रूस, चीन और जर्मनी ने साइन किया था। ट्रंप की इसको लेकर शिकायतें रही हैं। उनका कहना है कि यह समझौता ईरान को हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी समूहों का समर्थन रोकने के लिए बाध्य नहीं करता है। इस पर हस्ताक्षर करने वाले हर देश से अमेरिकी राष्ट्रपति ने मांग की है कि वो ईरान की यूरेनियम संवर्धन पर स्थायी प्रतिबंध के समझौते पर भी सहमत हों। हालिया समझौते के अनुसार ये प्रतिबंध केवल 2025 तक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। कनाडा के टोरंटो शहर में एक व्यक्ति ने वैन से पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी। इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान 25 साल के एलेक मिनासिया के रूप में की है। आरोपी को पुलिस ने घटनास्थल से थोड़ी ही दूर गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के तुरंत बाद पीड़ितों और गवाहों के परिजनों के लिए अलग से हॉटलाइन सेवा की व्यवस्था की गई। जर्मनी ने सीरिया और इलाके के रिफ्यूजियों के लिए वित्तीय मदद बढ़ाकर 1 अरब यूरो कर दी है। संयुक्त राष्ट्र बार बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सीरिया की मदद को कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक वहां 1.3 करोड़ लोगों को आपातकालीन मदद की जरूरत है। देखिए एक रिपोर्ट। जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास ने ऐलान किया कि जर्मनी सीरिया और सीरियाई रिफ्यूजियों को शरण देने वाले पड़ोसी देशों को 1 अरब यूरो की वित्तीय मदद देगा। ब्रसेल्स में जर्मन विदेश मंत्री ने कहा कि सिर्फ सीरिया में ही 1.3 करोड़ लोग मानवीय सहायता पर निर्भर हैं। हमें सीरियाई लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सीरिया में आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए मास ने कहा कि जर्मनी सीरिया विवाद के खात्मे के लिए राजनीतिक प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने पर गंभीर है। जर्मनी सीरिया की सबसे ज्यादा आर्थिक मदद करने वाला देश बना हुआ है। जर्मनी उसे 2012 से अब तक 4.5 अरब यूरो की मदद दे चुका है। ब्रसेल्स में संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की 2 दिन की डोनर कॉन्फ्रेंस में 80 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यूएन और ईयू को उम्मीद है कि बाकी देश भी सीरिया और उसके पड़ोसी देशों की मदद करेंगे। दोनों ने जिनेवा में होने वाली शांति वार्ता की बहाली की भी उम्मीद जताई है। राहत संगठनों को उम्मीद है कि इस साल के दानदाता सम्मेलन में 6 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम जुटाई जा सकेगी। यूएन की एजेंसियों के मुताबिक 24 अप्रैल तक 2.3 अरब डॉलर ही जुटाए जा सके हैं। सीरिया में 2011 से गृह युद्ध जारी है। हिंसा के चलते 4 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। जान बचाने के लिए सीरिया छोड़ चुके ज्यादातर लोग तुर्की, लेबनान, जॉर्डन और जर्मनी में रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पर चीन एक बार फिर भारत का समर्थन हासिल करने में नाकाम हुआ। बीजिंग में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन की ताजा कोशिश पर पानी फेर दिया। भारत चीन के इस प्रोजेक्ट पर शुरू से ही ऐतराज करता रहा है और इसका कारण है चीन द्वारा पीओके में बनाया जाने वाला कॉरिडोर। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने बीजिंग पहुंची भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ये साफ कर दिया कि उनका देश वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। वन बेल्ट वन रोड चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत वो एशिया और उसके पार सड़कों, बंदरगाहों और रेल नेटवर्क का जाल बिछाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट के तहत चीन और पाकिस्तान के बीच $54 अरब की लागत वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। चीन से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाने वाला यह कॉरिडोर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत कश्मीर को अपना हिस्सा बताता है। बीजिंग में विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान चीन ने भारत को मनाने की कोशिशें की जो कि नाकाम रही। चीन ने इस दौरान दूसरे देशों का भी हवाला दिया कि वे चीन के इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत ने इस तरफ कोई रुचि नहीं दिखाई। भारत दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव से चिंतित है। दोनों देशों के बीच 1940 के दशक से सीमा विवाद चला आ रहा है। 1962 में सीमा विवाद के चलते एक युद्ध भी हो चुका है, लेकिन आज तस्वीर काफी अलग है। अब दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। दोनों के पास विशाल सेनाएं हैं। इसके साथ ही आर्थिक विकास को लेकर भी भारत और चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी बने हुए हैं। दोनों अब युद्ध जैसा जोखिम मोल नहीं लेना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। देश विदेश में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।